हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करेंगे यूके टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, पूछते हैं कि हमने फाइल लगाई थी, इतना टाइम हो गया है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। तो मैं उनको क्लियर कर दूं, टूरिस्ट वीज़ा जो है उसका रिज़ल्ट आने में 7 वीक तक का टाइम लग रहा है, और उससे ज़्यादा भी लग सकता है टाइम। श्योरिटी नहीं है कि 7 वीक में आ जाएगा रिज़ल्ट, उससे ऊपर भी लग सकता है। और जो आपको पता होगा, इस समय जो सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी सर्विस ओपन है वो वर्क नहीं करते विजिट वीज़ा में, वो बस स्टूडेंट वीज़ा या वर्क परमिट पे ही लग सकती है फाइल आपकी। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लगाओगे तो आपका स्टैंडर्ड वीज़ा ही लगेगा, नॉर्मल लगेगा, जिसमें 7 वीक्स का डे टाइम लग सकता है। क्योंकि इस समय काफ़ी सारी फाइलें अभी भी एम्बेसी में हैं, इसलिए उन्होंने अलाउ नहीं किया विजिट वीज़ा को सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी में, क्योंकि वो उनको भी एक्यूरेट टाइम पर रिजल्ट देना ही होता है। इसलिए उन्होंने टाइम फ्रेम अभी टूरिस्ट वीज़ा का बढ़ा रखा है। आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे वो भी 3 वीक तक पहुंच जाएगा, पर अभी तो 7 वीक का टाइम मांगा है उन्होंने रिजल्ट आने में। अगर आपकी फाइल लगी है तो आपको वेट करो, कोई नहीं, आपका 7 वीक्स के में आपका रिजल्ट आराम से आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।